27 सितंबर 2017 को पर्यटन मंत्रालय ने अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा चयनित कुछ प्रमुख स्मारकों को गोद लेकर उनके संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। और विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर शुरू हुई इस स्कीम में भारतीय पर्यटन मंत्रालय के अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के राज्य पुरातत्व निदेशालय सहयोगी हैं। अभी हाल ही में यूपी राज्य पुरातत्व निदेशालय ने अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया है। यूपी के जिन 10 धरोहरों का चयन हुआ है उसमें लखनऊ के आलमबाग भवन समेत मथुरा के पोतरा कुंड, सीतापुर के कल्पा देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर, ललितपुर की देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं, अयोध्या का राज मंदिर गुप्तार घाट, झांसी का लक्ष्मी मंदिर, झांसी का ही ठहरौली किला, ललितपुर का बाला बिहट किला, झांसी का दिगारा गढ़ी और कानपुर के बिठूर के शिव मंदिर को शामिल किया गया है। आइए अब एक एक करके यूपी के इन सभी 10 धरोहरों के बारे में आपको बताते हैं। पहला, लखनऊ का आलमबाग भवन। लखनऊ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लकौरी ईंटों से बना ऊंची ऊंची छतों वाली दो मंजिला इमारत आलमबाग महल को लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम आलम आरा के लिए साल 1847 से 1856 के बीच बनवाया था। इस महल का इंटीरियर अत्यंत कलात्मक है। इस महल के अंदर प्रवेश करने के लिए आलमबाग प्रवेश द्वार लखनऊ के ही वास्तुकार खोटे खान ने बनाया था। वर्तमान में यह प्रवेश द्वार चंद्रनगर कॉलोनी का भी प्रवेश द्वार है। दूसरा है मथुरा का पोतरा कुंड। मथुरा का पोतरा कुंड श्री कृष्ण जन्मस्थान के नजदीक का स्थान है। पोतरा कुंड अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में श्री कृष्ण के वस्त्र धुले हैं। कुंड में प्रवेश करने के लिए खूबसूरत दरवाजा और बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। तीसरा है सीतापुर के आस्तिक बाबा और कल्पा देवी का मंदिर। यह मंदिर सीतापुर की सिधौली तहसील में करपन और नसीराबाद गांव में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मानधाता के राजा के पूर्वजों ने करवाया था। स्टिका शैली में बने इस मंदिर के खंडहर ही अब शेष है। पुरातत्व विभाग ने यहां संरक्षण का बोर्ड लगाया है लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण अभी तक नहीं किया गया। स्टिका शैली में बने इस मंदिर के चबूतरे को देखकर ही इसके खूबसूरत स्थापत्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग बताते हैं कि यहाँ दो बड़े और कई छोटे छोटे मंदिर हैं। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ था। चौथा है देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न ललितपुर जिले में बेतवा के तट पर इतिहास के 6वीं सदी में बौद्ध गुरुओं के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया था। ये गुफाएं ललितपुर मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर देवगढ़ नामक स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के अजंता के नाम से मशहूर इन गुफाओं के अंदर सुंदर बौद्धकालीन मूर्तियां बनी हुई हैं। इसका पुराना नाम लुआच्छागिरी है। 1972 से पहले यह क्षेत्र झांसी जिले के अंतर्गत आता था। पांचवा है अयोध्या का राज मंदिर गुप्तार घाट। अयोध्या में स्थित गुप्तार घाट के लिए यह मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसी घाट में जल समाधि ली थी और वापस विष्णु रूप में बैकुंठ चले गए थे। लोगों की यह मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस घाट के किनारे प्रसिद्ध राज मंदिर और चक्रहरी विष्णु मंदिर स्थित है। छठवां है झांसी का लक्ष्मी मंदिर। यह मंदिर झांसी में लक्ष्मी ताल के किनारे स्थित है। यह सौभाग्य और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का मंदिर है। यह मंदिर रघुनाथ राव ने 18वीं सदी में बनवाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अक्सर इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाती थी। यह मंदिर झांसी के समृद्ध इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। सातवां है झांसी का ही ठहरौली किला। यह किला झांसी से 50 किलोमीटर दूर ठहरौली तहसील में है। खूबसूरत इमारत से खंडहर बन चुका यह किला लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में बना है। इस किले का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1621 में कराया था। किले के अंदर तहखाना, गुप्त रास्ता और 2-3 बावड़ियां भी बनी हुई हैं। इस किले में कुलदेवी राजेश्वरी माँ का और राम जानकी का मंदिर है। राम जानकी मंदिर को लोग लक्ष्मण जी महाराज मंदिर कहते हैं। लोग बताते हैं कि इसके एक हिस्से में तोपखाना भी था। आठवां है ललितपुर का बाला बेहट किला। बाला बेहट में जैन अतिशय क्षेत्र एवं बरवासन देवी मंदिर स्थित है जिसका धार्मिकता के साथ साथ यहां का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को खूब लुभाता है।
और नौवा है झांसी का दिगारा गढ़ी। दिगारा में पहाड़ी पर गढ़ी का निर्माण 4 शताब्दी पहले बुंदेला काल में हुआ था। इसका इस्तेमाल मराठाओं ने अपनी सुरक्षा चौकी के रूप में किया था। ब्रिटिश काल में इस गढ़ी पर फिरंगी सेना तैनात रहती थी। इसके पुरातत्विक महत्व को देखते हुए राज्य पुरातत्व विभाग ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया था। और दसवां और आखिरी है कानपुर के बिठूर का शिव मंदिर। बिठूर के 52 घाटों में से एक पत्थर घाट पर बना भव्य शिव मंदिर काफी प्राचीन है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अवध के दीवान श्री टिकैत राय जी ने बनवाया था। गंगा नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थरों से बना यह मंदिर तत्कालीन वास्तुकला और आस्था का प्रतीक है। इसे टिकैत शिव मंदिर और महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मंदिर में एक खास तरीके के पत्थर कसौटी से निर्मित शिवलिंग स्थापित है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप किस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।